प्यारे मित्रों अभिनंदन, मेरा नाम डॉक्टर कुमार प्रिंसिपल है और हमारे यूट्यूब चैनल ए टू ज़ेड क्रेज में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आऊँ 4000 इजेंशियल इंग्लिश वर्ड्स। मैंने आपको बताया डेली आपको 25 वर्ड याद करने हैं, 5 सिनोनिम्स, 5 एंटोनिम्स, 5 वर्ब्स, 5 इडियम और 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये हमारी थर्ड नंबर की वीडियो है जिसके 5 पार्ट हम आपको देंगे। रोजाना आपको 5 पार्ट मिलते हैं 4000 इजेंशियल इंग्लिश वर्ड्स के। इडियम्स, इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे। केवल आपको 5 मुहावरे याद करने हैं और इनको लिख लिया करें। इस पूरी की पूरी वीडियो की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, वहां से आप इसे डाउनलोड करके इनको नोट डाउन कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में इसको सेव कर सकते हैं और जब भी आपको समय मिले तब आप इन वीडियो को देख सकते हैं। रोजाना एक टारगेट बना ले इंग्लिश वर्ड, अगर आपको इंग्लिश वोकैबुलरी आपको बढ़ानी है तो ये 5ों वीडियो आपको जरूर देखनी है। साथ में आप करंट अफेयर्स की वीडियो भी देख सकते हैं जो हम डालते हैं, प्लेलिस्ट से जाकर आप इसको ढूंढ सकते हैं। बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के एडियम्स की। पहला एडियम है ए लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज मीन्स अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, यानी झूठ बोलना, यानी झूठा बहाना। यस्टरडे रहीम गेव ए लेम एक्सक्यूज फॉर हिज एब्सेंस। रहीम ने कल अपनी एब्सेंस के लिए झूठ बोल दिया, यानी झूठा बहाना बना दिया। तो लेम मीन्स लेम एक्सक्यूज, लेम मीन्स होता है लंगड़ा, लंगड़ा एक्सक्यूज यानी कि झूठा बहाना। लेम एक्सक्यूज मीन्स झूठा बहाना। ए लोयंस शेयर, लोयंस शेयर मीन्स सबसे बड़ा भाग। द एल्डेस्ट सन गोट ए लोयंस शेयर्स इन हिज फादर्स प्रॉपर्टी। जो सबसे बड़ा बेटा है उसे सबसे बड़ा भाग मिला पिता की प्रॉपर्टी में। लोयंस शेयर से ही पता लग रहा है लोयन का भाग, और लोयन सबसे बड़ा भाग चाहता है तो लोयन शेयर का मतलब सबसे बड़ा भाग। जब आप इन इडियम्स को याद करें तो इसके वर्ड्स का कॉम्बिनेशन देखा करें, इस कॉम्बिनेशन से ही आप इडियम को अपने आप याद कर पाएंगे। ए मैन ऑफ लेटर्स, लेटर्स मीन्स होता अक्षर। ए फेमस राइटर, प्रख्यात लेखक। एक आदमी जो लेटर का आदमी है यानी कि अक्षरों का आदमी, और अक्षरों का आदमी कौन होगा, राइटर यानी प्रख्यात लेखक। पंडित नेहरू वाज ए मैन ऑफ लेटर्स, पंडित नेहरू एक प्रख्यात लेखक थे, ए फेमस राइटर। नेक्स्ट इडियम है ए रेनी डे। रेनी डे मीन्स नीड, आवश्यकता। रेन डे पे हमें छाते की आवश्यकता होती है। इस तरह से आप इसको अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। इसका यूज है सेविंग समथिंग ए रेनी डे इज वेरी एसेंशियल। बरसात के दिनों में बचाना ही आवश्यकता है। सेविंग समथिंग ए रेनी डे इज वेरी एसेंशियल, जब हमें आवश्यकता हो उसके लिए बचत करना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट इडियम है ए रेड लेटर डे, इंपोर्टेंट डे, स्वर्णिम दिवस। 26 जनवरी 1950 इज ए रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ अवर कंट्री। हमारी कंट्री में 26 जनवरी 1950 की स्वर्णिम दिवस के रूप में महत्ता है क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो ये 5 इडियम्स मैंने आपको दिए हैं, 5ों इडियम्स को आप याद कर लिया करें। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, ए लेम एक्सक्यूज झूठा बहाना, ए लोयंस शेयर सबसे बड़ा भाग, ए मैन ऑफ लेटर फेमस राइटर, ए रेनी डे नीड आवश्यकता, ए रेड लेटर डे इंपोर्टेंट डे। 5ों इडियम्स की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ भी मिल जाएगी, वहां से इसे डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल वाला आइकन जरूर दबा दें। गॉड ब्लेस यू ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ। ए टू जेड करियर्स इज ऑलवेज विद यू। माय नेम इज डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।